गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो इंसुलिन पेन है इसके अंदर हम लोग रिफिल कैसे करते हैं, कार्ट्रिज, जो इसको कार्ट्रिज बोलते हैं, ये कैसे फिल करते हैं, इसके बारे में एक छोटा सा मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले इसको फिल करते वक्त सबसे पहले आप अपना हाथ अच्छे से धो लें, साबुन से क्लीन कर लें। फिर बाद में ये जो पेन होता है, ये पेन है, इसके अंदर जो ये कार्ट्रिज जाएगा, ये जो रिफिल है छोटा सा, ये जाएगा। और ये है निडल, जो कि सुई बोलते हैं इसको, निडल, जिससे आपको जो इंजेक्शन होता है वो लगेगा। तो ये एक है, तो इसको सबसे पहले हमें ओपन करना है इस तरह से। फिर ये जो है इसको हमें इस तरह से खोलना है। खोलने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। ओह सॉरी, ये आपको इस तरह से दिखेगा। फिर ये जो है यहाँ पे इस तरह से हाथ रख के फिर इसको नीचे की तरफ लाना है। तो ये एम्प्टी बॉटल्स इस तरह से दिखती हैं, ये एम्प्टी है, पूरी यूज़ हो चुकी है। तो ये पोर्शन इसका इस तरह से आपको दिख जाएगा। आप देख लीजिए, मेरे हाथ पूरे क्लीन है, मैंने साबुन से धो दिए। सो ये है, तो ये एम्प्टी मैंने इसको यहाँ पे रख दी। अभी ये वाला जो पोर्शन है, इसको इसको हमें नीचे अंदर की तरफ डालना है। तो हम इसे इस तरह से घुमाते घुमाते इसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे। ये देखिए, इसको मैं ऐसे इस तरह से घुमा रही हूँ। इसको घुमाते घुमाते आप पूरी तरह से इसको अंदर, पूरा अंदर डालना है इसको। ये जैसे जैसे अंदर जाएगा तब ये थोड़ा सा आप इसको प्रेस करके भी देख लीजिए। ये देखो, प्रेस किया तो थोड़ा अंदर जाने के बाद तो ये ओपन हो जाता है। ये वाला जो बैक साइड का जो प्रेस करने वाला जो बटन होता है, वो ऊपर की तरफ आ जाता है। ये देखिए, ये नंबर्स भी मिस हो चुके हैं इसके। सो ये है, तो अभी इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। ये हमारा हो चुका है, तो अभी इसकी बारी है। तो इसके अंदर ये हम लोग रिफिल फिल कर देंगे लाइक दिस, इस तरह से। फिर ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पीछे का, ये तो उसका कैप है, तो ये वाला जो पोर्शन है इससे हम लोग इसको अच्छे से बंद कर देंगे। ये से जस्ट घुमाना है, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगने वाली आपको। और फिर ये जो है नंबर्स, इसको आपको 0 देखना है कि इसके ऊपर 0 आया है कि नहीं। तो ये देखिए, मैंने अभी इसको पूरी तरह से सेट कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पे ये 0 आ गया है, आप देख रहे हो ना, ये 0 आ गया है। ये इसका पीछे का है, ये पूरी तरह से सेट हो गया। अगर मैं इसको घुमाती हूँ तो इंसुलिन इससे बाहर निकल सकता है, तो मैं इसको अभी घुमाऊंगी नहीं, क्योंकि ये मेरा है नहीं। तो ये है, अभी ये हो गया निडल। अभी इसमें हमें निडल ऐड करना है, तो मैं इसका कवर खोल देती हूँ निडल का। यहाँ से ये देखो, ये आई थिंक 50 पैसा या 1 रुपीज़ में मेडिकल में इजीली अवेलेबल हो जाता है। एग्जैक्टली मुझे प्राइस इसका पता नहीं है, मे बी 50 पैसा ही इसका प्राइस है। तो इस तरह से इसके अंदर देखो, ये सुई है, आप डायरेक्टली उंगली या फिर कुछ मत डालिए, बच्चों से इससे दूर रखिए एज पॉसिबल एज। ये आपको सुई दिख रही है, इसके अंदर छोटी सी सुई है, तो इसमें मैं इसको डाल रही हूँ जस्ट। और फिर इसको घुमाना है और इसको निकालना है, दैट्स इट्स। फिर यहाँ से आप इसको अच्छे से ये कर लोगे। फिर ये होता है उसका ऊपर का कैप, इससे निकालने के बाद ये सुई दिखाई दे रही है आपको, ये सुई है उसकी छोटी सी। फिर हम लोग इसको पैक करके रख देंगे। और ये इसका कैप है, इसको हम लोग इस तरह से रख के, इससे इस तरह से रख के कैप को बंद करके हमें इसको फ्रीजर में रख, मतलब रेफ्रिजरेटर में रखना है, बर्फ़ के इसमें नहीं, जो नॉर्मल अपना जो फ्रीजर होता है उसके अंदर इसको हमें इसको स्टोर करना है। अदरवाइज उसके अंदर का इंसुलिन जो है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं, और इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।